गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास फॉर क्लास टेंथ, चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके, सो इन दिस क्लास वी लर्न सम फ्यू टॉपिक्स और वी कैन से ओनली इंट्रोडक्शन क्लास हैविंग. ओके, सो हैव सम फ्यू इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर. हियर हैज रिटन सम पैराग्राफ. So what is it? You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases respectively present in them. Okay, so what is said that there have some foods that taste have sour and bitter because of acid and base are present in that food. Okay, so that the taste of the food are sour and bitter. So if someone in the family is suffering from the problem of acidity after overreacting, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar and baking soda solution. So here is said that the line said that in our family, your family have someone suffering from acidity. So what would you like to prefer for them for their remedy? Like a lemon juice, vinegar or baking soda. Okay, so which property did you think while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's effect. Okay, so recall how we tasted sour and bitter substance without tasting them. सो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी. आप कौन सी प्रॉपर्टी जो है आप चूज़ करेंगे इसकी रेमेडी के लिए. ठीक है, श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज. ओके, तो आप जो है अपना नॉलेज श्योरली यूज़ करें एंड एबिलिटी ऑफ एसिड बेसिस नलीफाई. तो यहाँ पर जो एसिड बेस हैं उनको जो है हम न्यूट्रलाइज कर सकें, ऐसी रेमेडी उनको जो है प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो रिकॉल हाउ वी टेस्ट सोर बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम. अब हम जो है उन्हें बिना टेस्ट किए हम किस तरह से जो सब्सटेंस हैं उनको हम समझ सकते हैं. ठीक है, कि कौन सा जो है बिटर था, कौन सा एसिड था. ठीक, तो उसको जो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा. सो यहाँ पर क्या कहना है कि यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट. ठीक है, तो जो हमारा जो एसिड है वो टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है. बट जो जो हमारा बेस है वो टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है. सॉरी, जो हमारा बेस है वो टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है. सो चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. देखिए, तो जो हमारा एसिड है वो टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है, और ये जो ब्लू लिटमस है उसे जो है रेड में चेंज कर देता है. ठीक है, बट जो एसिड बेस है वो हमारा क्या करता है, जो हमारा रेड लिटमस है उसको ब्लू में चेंज कर देता है. ठीक है, और जो कि टेस्ट में कैसा होता है, ये बिटर होता है. तो लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर. ठीक, नेचुरल इंडिकेटर है फॉर एसिड एंड बेस के लिए. एंड टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स. हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर. देखिए, तो यहाँ पर टर्मरिक किस तरह से हमारे लिए इंडिकेटर है फॉर एसिड एंड बेस के लिए. तो जनरली जैसे हम जो कोई करी हम खाते हैं, वो करी जो है क्या, हमारे क्लॉथ जो वाइट क्लॉथ्स होते हैं उनमें लग जाते हैं. तो हम उसे जब हम वॉश करेंगे, तो वॉश करने से हम यूज़ करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट. ठीक है, तो सोप एंड डिटर्जेंट से क्या होता है, जनरली जो करी का जो कलर था हमारा येलो, वो येलो किस कलर में चेंज हो जाता है, चेंज इन टू रेडिश कलर. ओके, सो ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा सोप है वो कैसा है, हमारा सोप जो है यहाँ पर एक बेस फॉर्म में है. ठीक, तो जो कि हमारा बेसिक नेचर में है. एंड इट्स टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मेथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस cancel out each other effect and many more interesting things that we use and see our daily day-to-day life. Okay,
हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, है ना, कि हाउ टू दे रिएक्ट ईच अदर एंड हाउ टू बैलेंस देम और हाउ टू न्यूट्रलाइज देम बाय देयर रिएक्शन प्रोसेस, एक्शन प्रोसेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक छोटी सी बात यहाँ पर बताई गई है लिटमस के बारे में। तो लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, ओके, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन आप सभी जानते हैं ना, जनरली अभी जो हमारा सीजन चल रहा है रेनी सीजन, उसमें जनरली जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है मॉइस्चर एरिया में, जो है कुछ ग्रेनेस जो हमारे होंगे, ग्रीन पार्ट जो है, ग्रीन ग्रीन पार्ट जनरली लाइक ग्रास के जैसे जो हमारे जो होते हैं सरफेस एरियाज, या फिर जो बार्क ऑफ ट्री जो है उनमें जो है क्या ये जनरली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट है बिलोंगिंग टू दी डिवीज़न थैलोफाइटा। ओके, ये थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए इन्हें जो है डिवीज़न थैलोफाइटा में हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं, ठीक। एंड इट कॉमनली यूज एन एज एन ए इंडिकेटर। ओके, सो यूज एज एन ए इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नैदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो लिटमस सॉल्यूशन है जब वो एसिडिक और बेसिक नहीं होगा तब क्या होगा, ये उसका जो कलर है वो पर्पल होगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज जो हमारा है हाइड्रेंजिया, और उसके बाद जो पिटोनिया एंड ये जो हमारा है जिरेनियम, ये सारे जो हमारे क्या हैं, ये प्लांट्स पेटल हैं, है ना, प्लांट फ्लावर के पेटल्स हैं जिनको हम ऐसे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। ओके, तो ये हम बात कर लिए लिटमस और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे जो टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा क्या है कॉमन प्रॉपर्टी इन एसिड एंड बेस, उनकी जो वो है कॉमन प्रॉपर्टीज है एसिड एंड बेस की, उसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज कॉमन इन बोथ एसिड एंड बेस, उनमें क्या है कॉमन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, किस तरह से वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोर अबाउट सॉल्ट्स, जो हमारा सॉल्ट्स है आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस दैट बिकम सॉल्ट और फॉर्म सॉल्ट, तो वही उसी सॉल्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम ये सिंपल सी चीज़ें हमने डिस्कस की, इसके आगे हम जो है डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।